किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है जी। वीडियो हम बना रहे हैं मंडी डबवाली पे। काफ़ी किसान भाइयों की डिमांड आती थी कि हम अगर पंजाब से पशु खरीदेंगे तो जो गाड़ी होती है ट्रक में लोड करके गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, केरला, तमिलनाडु के एरिया में जाते हैं, तो वो पशु कैसे लोड किए जाते हैं, मतलब गाड़ी में ट्रक में कैसे पशु लोड होते हैं, गायें कैसे लोड होती है, कैसे ट्रक को तैयार किया जाता है, कौन कौन सी बातों का लोडिंग के समय ध्यान रखना चाहिए। जे अभी गाड़ी तैयार हो रही है लोडिंग के लिए और उधर गाड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है और उस गाड़ी में गाय लोड कर दी है जो गुजरात के एरिया में जा रही है, और जे गाड़ी तैयार कर रहे हैं, कैसे गाड़ी तैयार होती है, कैसे पशुओं का ध्यान रखने के लिए सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए, उसके बारे में गुरविंदर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सब कुछ आपको डिटेल में वीडियो बनाकर बताएंगे। सबसे पहले हम आपको उस गाड़ी की गायें दिखा देते हैं जो गायें लोड कर दी है। ऐसे पूरा ट्रक को कवर कर दिया जाता है क्योंकि सर्दी का सीजन है, ताकि पशुओं को दिक्कत ना आए। इधर अंदर देख सकते हो ये गायें गाड़ी में लोड कर दी है। इन गायें की पूरी फुल परमिशन बनाई जाती है, सरकारी कागज बनते हैं कि ये गायें दूध के लिए जा रही है, दो नंबर का काम नहीं है, सरकारी कागज बना के गायें लोड करी जाती है दूध के लिए। तो गुरविंदर भाई से बताएंगे आपको बात करके, पहले आपको गाड़ी दिखा देते हैं। ये गाड़ी अभी तैयार हो रही है, पूरी फुल लोडिंग के लिए तैयार नहीं होगी, तैयार नहीं हुई अभी। यहाँ पे रस्सा लगेगा और आगे ऐसे पशुओं का भूसा और फीड रख दी जाती है, जहाँ पे आदमी रहता है वो सब कुछ गुरविंदर भाई बताएंगे। नमस्कार गुरविंदर भाई। नमस्कार सर जी, क्या हाल है जी? बढ़िया सर। सबसे पहले तो जो किसान भाई पहली बार आपकी वीडियो देख रहे हैं उनको बता दो, आपका गाय का काम है तो क्या रेट है, कौन सी ब्रीड आपके पास अवेलेबल रहती है? हम पिछले 3-4 साल से यूट्यूब पे हैं सर, हमारा गाय सेल प्रोसेसिंग का काम है, ऑल इंडिया में डिलीवरी है सर, चाहे अगरतला, केरला, तमिलनाडु, कहीं पे, कर्नाटका, MP, UP में, बिहार, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, सभी स्टेटों में हमारी ऑनलाइन डिलीवरी, ऑफलाइन डिलीवरी है सर। आप कभी भी आ सकते हो, एनिमल प्रोसेसिंग कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का मोटिवेट हमारा यही है कि कस्टमर को जानकारी दें, क्योंकि पंजाब में कस्टमर आ रहे हैं तो वो गुमराह ना हो, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, कई जो नए डेयरी फार्म में जहाँ यूट्यूब पे आ रहे हैं उनको लोडिंग करने का नहीं मालूम रहता सर, कैसे लोडिंग करते हैं। रेट बता दो, आपकी गाय का रेट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे एंड होता है और दूध की एवरेज क्या आती है? सर हमारा गाय का रेट 50 से स्टार्टिंग है और 120 तक एंड है, और मिल्किंग की बात करें तो 20 लीटर से स्टार्टिंग होकर 50 लीटर तक मिल्किंग रहती है सर। गारंटी रहती है, मिल्किंग करके ले सकते हो, हमें कोई इशू नहीं है सर। और अभी लोडिंग के बारे में बता दो, कैसे गाड़ी लोड होती है, एक गाड़ी में कितने पशु आते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? सर ये बड़ी गाड़ी है और इसमें 10 एनिमल आएंगे, तो सेकंड बात मैं आपको सबसे फर्स्ट बात बताऊंगा भी, पहले सबसे पहले तो ये बताओ कि गाड़ी किस एरिया में जा रही है, गुजरात? गुजरात जा रही है सर। कितने भाड़े में ये गाड़ी में जा रही है? 36 में बैड में, 36,000 में बैड, बैड ठीक है जी। तो आप गाड़ी के साथ में जाओगे जी? नमस्कार सर। नमस्कार, अपना नाम बता दो भाई। गोलू कुमार सिंह। ठीक है जी। गुरविंदर भाई ये तो भाई साहब काफी टाइम से आपके साथ काम कर रहे हैं ना? कम से कम 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए अपने पास चलते आ रहे हैं सर। ऐसे बहुत 5-6 आदमी है सर जो आते जाते रहते हैं सर जी। हमारा जी अभी अपना पक्के आदमी रखे हुए, पक्के आदमी रखे हुए हैं। और साहब कोई भी रखता है व्यवहार से, व्यवहार बढ़िया, माल किसी को बढ़िया से पहुँचाओ तो बहुत दिन तक लंबा टाइम लेता है जी। आपको कितने साल हो गए गुरविंदर भाई के साथ? 5 साल हो गया सर। ठीक है, तो गाड़ी में आप रहते हो जी? जी। कहाँ पे रहते हो? ये ऊपर सर बोरी बांधा हुआ है, ये बोरी बांधा हुआ है, देखो इस पे ये सोएगा रात को, गाय गबन है, बीआई है, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे बच्चा लग जाएगा, ये खाया ना पीना, गाय की मेडिसिन कंप्लीट है सर, इसमें दवा दारू सब है सर। अगर रास्ते में गाय को सर्दी लग जाए, बीमार हो जाए, उसकी केयर आप करते हो? तो सब अपना दवाई है सर, इसमें सब दवा भरा हुआ है। ये हमारे सर आधे डॉक्टर है सर, ये डॉक्टर। इंजेक्शन के बारे में आपको पता है, खुद लगा लेते हो? जी 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 जी। ठीक है, जो अपना ओवर हो गया डॉक्टर बुला के फिर चेक करा लेता हूँ। गुरविंदर के पास किसी ने ऑर्डर किया 10 गाय खरीद ली, तो आप गाड़ी के साथ जा रहे हैं उनको गाय डिलीवर करने, जी जी। तो आगे का उनका व्यवहार कैसे रहता है, कभी कंप्लेंट की है कि गुरविंदर ने ठगी की? साहब माल व्यवस्थित पहुंचे, माल बढ़िया निकले तो कोई नहीं कुछ करता है, ठीक है, माल तो ऐसी पहुंचती है, फिर वो अपन संबंधी को बोलते हैं कि फिर उनके पास ही माल लाना है गुरविंदर भाई के पास, 2000 बद लगे कोई बात नहीं, माल बहुत अच्छी देते हैं। तो लोग इनको प्यार देते हैं, जहाँ वीडियो में बहुत प्यार देते हैं साहब, ये तो विचार करो, अब गलत माल ले जाके गलत पहुंचाते तो मेरे को ही बोलता ना, तेरे दोनों की यही काम है, अच्छा व्यवहार है, रोज की रोजगारी लोड होती है सर। ठीक है, और आदमी ये 2-3 दिन उधर रुक गया था सर, सेटिस्फाई करके आता, उनको कभी कहीं नए होते हैं सर, यूट्यूब पे देख के गाय एनिमल मंगा लेते हैं, उनको 2-3 दिन सेट करके फिर आता सर जी, वहाँ पे उनको बता देते हो कि फीड कैसे पूरे बता के, टाइम मिल गया तो 10 दिन भी रह जाते हैं, नहीं तो 2 दिन तो फाइनल ही है सर। ठीक है जी। और मैं आप अभी गाड़ी के बारे में बता दो, गाड़ी के बारे में बता दो सर, कहीं क्या करते हो, गाड़ी लोडिंग कर दी तो आदमी निकल के आगे चला जाता है, गाय इधर कुछ कैबिन में, कैबिन में हमारा ये ड्राइवर को सख्त, तो आप भी कैबिन में चले जाते हैं? नहीं 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 साहब, अपना तो ये देखो, इस पे कमल डालेंगे, इस पे सो के ही जाना है।
अच्छा। दिन में सोने का, रात भर पूरी जगने का, जब तक गाड़ी चले। रात को गाड़ी चलती है, दिन को तो स्टॉप में रुक जाती जी, है जी, जी, ठीक है जी। और मैं बोलता हूँ भी अगर आगे चले, मैं ड्राइवर को स्पष्ट बोलता हूँ भी, आप इनको हमारे आदमी को आगे ना बैठने दो, चाहे कितने भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करें पर आगे नहीं बैठने ना। अगर आगे बढ़ने दे दिया तो मैं आपको भाड़ा नहीं दूंगा ट्रांसपोर्ट का। ज़्यादा वैसे भी हमारे आदमी एक्सपर्ट है सर, कभी आगे नहीं बैठते, उनको खुद को माल की टेंशन रहती है, जिम्मेवारी रहती है सर भैया। माल आदमी ने 8-10 लाख रुपया लगाया तो उनको माल ही ना भाई पहुंचे। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा भी, कई भाई क्या करते हैं गाड़ी लोडिंग करने से नीचे ना राइस का भूसा आता है सर, वो फेंक देते हैं सर उसमें। क्या आपने तो मिट्टी काफी डाल रखी है। मैंने 2 फुट मिट्टी डलवाई है स्पेशली सर। ये देखो किसान भाइयों, यहाँ से ये गाड़ी की फ्लोर आ गई, फर्श आ गई, और यहाँ पे काफी मिट्टी डला रखी है। ज्यादा मिट्टी डलाने का फायदा क्या है सर? फायदा तो ये, एक तो एनिमल व्यवस्थित जाएगा, दूसरा बाथरूम करेगा, चिक्कड़ नहीं, अगर पैर नहीं फिसलेगा उसका। जो गायें जाती है खड़ी जाती है या बैठ हुई है? खड़ी जाती है सर गाय, हर 500 किलोमीटर पे स्टॉपेज रहता है। सुबह मॉर्निंग उतरेगी, उधर हमारा स्टॉपेज पॉइंट है सर, और उधर उतर के उधर रोक के रेस्ट वेस्ट करके खाना खुना खा के सर, जो हमने इनको मेडिसिन बी कम्प्लेक्स देना सर वो दे के, और फिर हम उधर से शाम को लोडिंग की, नेक्स्ट डे गुजरात पहुंचेगी सर जी। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो मिट्टी का बोल दिया आपने, दूसरा आदमी कैबिन में नहीं जाना चाहिए, तीसरा सर गाड़ी जो लोडिंग का सामान करते हैं वो गाड़ी नहीं लोडिंग कर सकते सर। ये स्पेशल ही, मान लो आप जो एनिमल लोडिंग करते हैं वो स्पेशली होते हैं, वही आपकी गाड़ी एनिमल लोडिंग करेंगे। ऐसा नहीं वो जो लोडिंग का सामान लोडिंग करते हैं वही आपकी गाड़ी लोडिंग करेंगे, क्योंकि उन्होंने लोडिंग के हिसाब से गाड़ी चलानी है। ये रोज के एक्सपर्ट होते हैं। ये रस्से अभी खाली पड़े हैं, इनका क्या करूँ सर? इनको गाय बांधनी पड़ेगी सर, इससे सारी सेटिंग करके गाय बांधेंगे सर। और एक मैंने देखा है आप यहाँ पे भूसा लगाते हो, भूसे के थैले भर के वो लगाएंगे सर, यहाँ पे जहाँ तक भूसे के थैले लगाएंगे कि गाय को ऐसे से ट्रक चले तो गाय को चोट ना लगे सर, ये वाली पत्ती ना खुबे यहाँ पे, मतलब इसको वो कर देते हैं। हाँ भी गाय का ये कंधा ना लगे, ऐसे कंधा ना लगे सर, जिस तरह वो चोट ना आए सर। आदमी ने, फार्मर ने, कस्टमर ने 8-10 लाख रुपए हमें दिया है, ये ना होना चाहिए भी उनका 8-10 लाख रुपए वेस्ट हो जाए कोई गाय को चोट लगे, हमारा ये नहीं काम होता। क्योंकि वो आदमी अगर 2000 किलोमीटर से आपको ऑर्डर कर रहा है तो किसी विश्वास पे कर रहा है। एक गाड़ी जैसे ये अभी तैयार कर रहे हो, कितने टाइम में एक गाड़ी तैयार कर देते हो लोडिंग के लिए? सर मिट्टी डलवाने में 1 घंटा सर, तो 1.5 घंटा में गाड़ी तैयार होती है खाली, और पेपर तैयार करने पड़ते हैं गाड़ी के, 1.5-2 घंटे में गाड़ी कंप्लीट होती है सर। तो पेपर क्या तैयार करते हो? रास्ते में पुलिस का कोई चक्कर आता है या फिर सर, कोई किसी और का? गाय के ट्रैकिंग होती है सर गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट की तरफ से गाय का डॉक्टर स्नैप लगती है। हाँ, गाय की स्नैप लगती है, गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टरी सर्टिफिकेट होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ही इनका एक एफिडेविट बनता है सर कचहरियों से, एफिडेविट के मतलब एक सही है, दूध पर्पज के लिए जा रही है, नॉट मीट पर्पज के लिए जा रही है सर, मिल्किंग पर्पज के लिए एनिमल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो प्रूफ बना कर देते प्रूफ बना के दे रहे हैं सर, क्योंकि कस्टमर चला गया तो उसको पीछे की कंप्लेंट ना आए सर, ये हमारा सबसे बड़ा काम है सर। तो ऊपर से भी तिरपाल डालकर अच्छे तरीके से बंद कर रखिए, और पीछे भी ये फट्टे लगा दोगे यहाँ पे? यहाँ से बंद करेंगे, स्पेस छोड़ेंगे सर, आगे तो से सांस सांस लेने मैं आपको तो आगे से वहाँ से उठाएंगे तिरपाल सर, थोड़ी सी भी हवा क्रॉसिंग होती रहे सर, वहाँ से उठाकर और यहाँ से क्रॉस होती रहेगी, क्रॉस होती रहेगी सर। ऐसे तो मान लो बंद कर दिए तो ह्यूमिडिटी पैदा हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो आगे से थोड़ी सी उठाएंगे, पीछे से थोड़ी सी छोड़ेंगे, भी हवा क्रॉसिंग होती रहे आसानी से। दिन को गाड़ी क्यों नहीं चलती, रात को ही क्यों ट्रैवलिंग करती है सभी पशुओं वाली गाड़ी? सर दिन को गाड़ी इसलिए नहीं चलती कि रात को जहाँ स्टॉपेज पॉइंट होता है उधर डे में उतरती है तो रेस्ट कर लेती है अच्छे से सर, सभी कुछ मिल जाता है स्टॉपेज में। रात को उतारेंगे तो स्टॉपेज पॉइंट पे कभी हमें इमरजेंसी कोई काम पड़ गया तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, डे में तो हम कहीं से प्रोसेसिंग कर सकते हो। और दूसरा सर, रात दिन डे को मान लो कहीं शोर शराबा बहुत रहता है, ट्रैफिक ज्यादा रहता है, तो समय रात को कम समय में वो गाड़ी ज्यादा सफर तय कर लेती है, ज्यादा सफर तय कर जी। और हमारी पिछले 3-4 साल से यूट्यूब पे वीडियो आ रही है सर हमारा गाड़ी दिखाने का, क्योंकि हम किसी के पास आए तक कोई नहीं ये चीजें नहीं बताता सर भी, क्योंकि किसी सभी आजकल दुकानदारियां खोल के बैठे हैं, पर हम इसको दुकानदारी को नहीं, हम कस्टमर को साथ के साथ सजेशन दे रहे हैं सर, उनको दिखा रहे हैं सर, दुकानदारी नहीं खोल के बैठे हम, ये उनको दिखा रहे हैं सर, ऐसे लोडिंग करवाओ, ऐसे लोडिंग करोगे आपके आपका एनिमल सेल सेफ पहुंचे सर, क्योंकि हमने तो पैसा ले लिया सर, आपको भी हमारी भी जिम्मेवारी बनती है भी आपका एनिमल सेफ हो जाए। और हमारी 3-4 साल से वीडियो आ रही है, आप किसी भी टाइम हमें ऑनलाइन ऑफलाइन ऑर्डर कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, और कभी इधर आ सकते हो विजिटिंग करके आप एनिमल प्रोसेसिंग कर सकते हो, आपके घर तक ही हमारा नौकर जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है सर। ठीक है जी, धन्यवाद। तो गाड़ी आप करवा कर देते हो पूरी गाड़ी? हाँ सर, गाड़ी की जिम्मेवारी हमारी है सर, ट्रांसपोर्ट की उनके घर तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। ओके, धन्यवाद भाई। तो किसान भाइयों एक बार आपको पूरी फेर गाड़ी दिखा देते हैं, ऊपर तरपाल लगी हुई है रस्सी डालकर, और पीछे से भी ये पूरी कवर कर दी जाएगी, यहाँ पे फट्टे लगकर गाड़ी कवर हो जाएगी, और यहाँ पे आगे जिन गाय की डिलीवरी हो चुकी है
ये रस्सा डाला है, यहाँ पे बच्चे आ जाएंगे, यहाँ पे बच्चे लग जाएंगे। जिन गाय की डिलीवरी हुई है वो गाय इस साइड लग जाएगी, और जो गाय ज्ञापन है वो गाय इस साइड लग जाएगी। तो ऐसे ऐसे गाय की लोडिंग की जाती है। इसमें भूसा आ गया ये थैले में, और यहाँ पे ड्राई फीड आ गई पूरी ध्यान रखकर, और यहाँ पे आदमी बैठेगा, वो बैठेगी सारी रात, सोता तो नहीं है। तो ऐसे ऐसे पूरी गाड़ी लोड की जाती है। तो आप ये पूरा बाहर का भी अभी आपको व्यू दिखा देते हैं। ये फट्टे हैं जो डाले पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो और भी उधर गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं, और इधर भी ये गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। अपना मैं आपको दिखा दूँ सर, ये हमारी गाड़ी, इसमें क्या मिट्टी, वो सामने वाली गाड़ी में क्या पराली। जिंदगी जगह मैंने ना कभी गलत कीता ना कीता, ना दो दा मालिक कल कना एक तरह ठहर के करता। और ये होता है सर भी गाड़ी लोडिंग करने का तरीका होता है सर सभी का। तो उसमें क्या दिक्कत आती है? उसमें सर गाय का ब्रेक मारेंगे तो गाय का पैर फिसलेगा सर पराली पे सर, और मिट्टी पे ग्रिप बन जाता है इसका, ये बात हो जाती है।